हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के बीच में एक वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें जो है मैं आप लोगों को दो टॉपिक पे बातें बताऊंगा। पहला जो है कॉपीराइट क्लेम और दूसरा एक मैं अपना छोटा सा मुहिम चला रहा हूँ, छोटी बातें मगर मोटी बातें, ये देखना ना भूलें। ये मैं वीडियो के अंत में डालूंगा। ये बहुत ज्ञानपूर्वक और इंटरेस्टिंग बातें होंगी, आप लोगों को मज़ा आएगा और याद भी रहेगा, ठीक है। पहले बात हो जाती है कॉपीराइट क्लेम के बारे में। कॉपीराइट क्लेम यह एक प्रोसीजर है जो यू के द्वारा दिया जाता है। ये कॉपीराइट के बारे में आप लोग जान लो। कॉपीराइट क्लेम मतलब होता है मालिकाना हक, मतलब इसमें बताया जाता है कि हमारा कोई वस्तु है, आप अगर उसको यूज करेंगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, क्लेम कर देंगे। तो ये होता है कॉपीराइट क्लेम। इसमें जो है जैसे आप किसी का म्यूजिक, किसी का सामग्री कुछ ले करके अपना वीडियो बनाते हैं, यूज करते हैं, किसी का कंटेंट उठा के डाल देते हैं, किसी का वीडियो यूट्यूब पे डाल देते हैं, उसको जब कंपनी जो है उसको कॉपीराइट क्लेम देती है, उस पर उसकी कंपनी, उसके मालिक आपको कॉपीराइट क्लेम देंगे। तो इसमें देखो कॉपीराइट क्लेम जब आता है तो तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है कॉपीराइट क्लेम जो आता है, इसमें जो है आपका वीडियो कोई म्यूजिक व्यूजिक उठा के आप डाल दिए, वो चल रही है, उस पर कॉपीराइट क्लेम आ गया। आप जाएंगे अपने YT स्टूडियो में, वहाँ पर आप चेक करेंगे तो वहाँ पे एक फिल्टर का ऑप्शन ऊपर होता है, वहाँ क्लिक करके कॉपीराइट क्लेम वीडियो लिखना। आप लोग जितने वीडियो मतलब उतनी वीडियो में तो आप तो पूरा देख नहीं पाओगे, तो फिल्टर करोगे तो जो जो कॉपीराइट क्लेम का होगा वो ऑप्शन ऊपर आ जाएगा कि ये वीडियो पे आपका कॉपीराइट क्लेम आ गया। आप कॉपीराइट क्लेम पे जो है क्लिक करना, किस लिए आया है तो वहाँ पर पूरा होगा कि यह म्यूजिक पे आया है, इतने टाइम का आया है, मतलब 1 सेकंड से 2 सेकंड या 5 सेकंड तक का है, आपने यूज़ किया उस पर आया है, और ओनर का नाम होगा कि कौन सी कंपनी ने आपको ये दिया है कॉपीराइट क्लेम, जो इसका मालिक कौन है। तब उस पर क्लिक करोगे वहाँ ऑप्शन आएगा, साइड में क्लिक करोगे तो वहाँ ऑप्शन आएगा कि आप कॉपीराइट क्लेम किस प्रकार से हटाना चाहते हो, मतलब कि जो है उसमें दिया होगा कि म्यूट सॉन्ग्स कर दो, आवाज़ बंद कर दो, आपका चित्र चलता रहेगा, कॉपी क्लेम हट जाएगा, कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। दूसरा होता है रिप्लेस सॉन्ग्स, मतलब कि उस पर क्लिक करोगे तो YouTube में ही लाइब्रेरी होती है, उसमें से ही आपको चॉइस करके म्यूजिक डालना पड़ेगा। पहले बजा के चेक कर लो, उसमें बटन होता है, इससे उसके साइड में ही प्लस का आइकन होता है, वो क्लिक करोगे तो आपके वीडियोस पे आकर के ऑटोमेटिक मतलब उसका म्यूजिक आकर के आप ऑटोमेटिक आपके वीडियो पे लग जाएगा। इस प्रकार से कॉपीराइट क्लेम हट जाएगा। हाँ, वीडियो का ड्यूरेशन जो भी हो और उसका म्यूजिक का ड्यूरेशन जो भी हो तो दो बार क्लिक करना या दो म्यूजिक उसी में डाल देना, और उसको हाथ से क्लिक करके ग्रीन कलर का ऐसा कुछ बनता है, रेड या ग्रीन कलर का देख लेना आप लोग, तो उसको हाथ से क्लिक करके सरका के ले जाएंगे तो उसे मतलब प्लस कर सकते हैं, उसको मतलब बड़ी कर सकते हैं वीडियो आप उसे। इस प्रकार से आप लोग जो है ये क्लेम हटा सकते हैं। दूसरा एक आता है वो बहुत डेंजर होता है, उसको बोला जाता है कॉपीराइट स्ट्राइक। ये अगर जो है 3 महीने के अंदर 3 आ गया या 90 दिन के अंदर में 3 आ गया तो आपके चैनल को यूट्यूब जो है डिसेबल कर देगा, हटा देगा चैनल से। तो इसलिए ध्यान दीजिए, किसी का जो है आप कंटेंट ना डालिए, किसी की म्यूजिक ज़्यादा प्रयोग ना करिए। कुछ ऐसे फ्री म्यूजिक आते हैं, बहुत सारे ऐप्स हैं, जा करके उसमें आप खोज लेना, यूट्यूब खुद ही देता है आपको जो है फ्री है म्यूजिक, उसमें ला करके अपना यूज करो डाल करके। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इसमें जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। तीसरा एक होता है कॉपीराइट क्लेम, इसमें जो होता है उसको बोला जाता है जो पैसा मोनोटाइज शेयरिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो मुद्रीकरण होगा वीडियो का, जिसके ऊपर आपको पैसा आएगा, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, 50% उसको दिया जाएगा, जो क्लेम किया है 50% आपको मिलेगा। तो होता है तीसरा जो है। तो इस प्रकार से कॉपीराइट क्लेम है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है। किसी का अपना खुद का बनाओ, खुद का डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब ये सब तो बारे मतलब कॉपीराइट क्लेम के बारे में आप लोगों को मैं बता दिया। अब चलिए आप लोगों को बताता हूँ छोटी बातें मगर मोटी बातें, ध्यान दीजिए। जय हिंद, जय भारत। देखना ना भूलें और सब्सक्राइब चैनल को मेरे आप कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, शेयर करिए। जय हिंद। दोस्तों, जब टमाटर का जब भ्रूण होता है, एकदम छोटा जब बच्चा होता है, वो पत्ते के नीचे जब उसके भ्रूण दबे होते हैं छोटा छोटा,
तो उसमें जो है ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। जब वो कुछ दिन बड़ा होता है जब, तो उसमें जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। तो टमाटर एकदम हरा हरा बहुत मस्त दिखता है। एक स्टेज ऐसा आता है जब क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, टमाटर का रंग लाल हो जाता है, मतलब टमाटर जो है पक जाता है। इस प्रकार से जो है टमाटर का रंग लाल होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।